हेलो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ वी शुड स्पेंड वैलेंटाइंस डे। तो क्योंकि वो पास आ रहा है तो आई थॉट कि मैं अपनी थोड़ी सी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस दिन के बारे में दे दूं और हमें ये एक्चुअली में कैसे गुजारना चाहिए ये बता दूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी लवर्स हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ ये कि आपके जो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन, जिसको आप लव बोलते हैं, इश्क बोलते हैं या प्यार बोलते हैं, वो बेसिकली आपके हार्मोन्स जो होते हैं ना बॉडी के, वो वर्क कर रहे होते हैं। आपके हार्मोन्स को ज़्यादा कम कर दिया जाए तो आपके ऐसा साथ, आपकी जो सोचें हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। कुछ लोगों के अंदर कम होते हैं, उनको टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स से इतनी अट्रैक्शन फील नहीं होती, उनके अंदर थोड़े से हार्मोन ज़्यादा कर दो उनको ज़्यादा फील हो, वो पागल हो जाएंगे। जिसके अंदर ज़्यादा होती हैं उसके अंदर कम कर दो, उसको फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, उसको अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ समझने की ये है कि हमारे जो जितने भी लव बर्ड्स अपने लव, इश्क, मोहब्बत समझ रहे होते हैं और सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, कोई नब्ज़ें काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो अफसोस के साथ ये सारा इन्फ्लक्चुएशन है और आप लोग वो हार्मोनल जो आपके बॉडी वर्क्स हैं ना उसके साथ बहते जा रहे हैं। और आपके ज़ाहिर लाइफ में और कुछ होता नहीं है तो आप इसी में ज़्यादा घुस जाते हो। तो अब आपको वैलेंटाइंस डे एक्चुअली में कैसे गुजारना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो इश्क होता है वो आपको हमेशा अपने साथ करना है। आप जब अपने अपने कोर में जाएंगे, एक जेन नशीन कर लें बात कि जो दूसरा होता है ना वो कोई नहीं होता, हमेशा एक ही होता है, अकेला। हम जो दूसरे होते हैं ना, आप दूसरे के साथ अपना टाइम अपने से भागने के लिए करते हैं, अपने से भागने के लिए आप दूसरे के साथ अपनी सारी खुशियाँ सारा कुछ जोड़ लेते हैं, और जो दूसरा होता है वो आपके साथ जोड़ के बैठा होता है। अपना आप आपका होता नहीं है ना, आप लोगों को ये पता होता है कि प्यार और ये लव एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि आप अपने अंदर जाएं, आपका जो कोर होगा ना बिल्कुल सेंटर होगा, वहाँ पर आपको जाके पता चलेगा कि दूसरा तो कभी होता ही नहीं है। इवन के वो जो जिससे आप समझते हैं प्यार करते हैं वो भी आप हो। हर चीज के अंदर आपको अपना एक झलक नजर आना शुरू हो जाएगी और वो वननेस है। हाँ, उस स्टेज पे जाके आप किसी के लिए फाल कर जो, जिसको वो पंजाबी में रंजा रंजा कर धीमे आप ही रंजा ही, वो इश्क है। तो हम इतनी पकीज़ा चीज़ को, इतनी पाक और इतनी अनमोल चीज़ को क्या अपने वो सेक्सुअल अट्रैक्शन के पीछे जो है ना इंसल्ट कर रहे हैं उसकी। तो काइंडली इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और इस वैलेंटाइन में बजाय ये फूल बूटे लेके जो हम गए होते हैं, इसकी जगह आप अकेले बैठ के अपना मुशाहिदा शुरू करें, क्योंकि जो प्यार का फूल खिलना है वो इधर ही खिलना है। तो इस बात पे गौर करें और इस वैलेंटाइंस को अव्वल तो पहले हर रोज़ आपको एक थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को देना चाहिए, पर स्टिल मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वैलेंटाइंस को बैठ के आप अपने आप के साथ प्यार करना सीखें। जिस दिन आपको अपने साथ प्यार होगा, आपको दूसरे से क्या पूरी दुनिया से प्यार होना शुरू हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप कोई ये बॉडी नहीं है, आप एक एनर्जी हैं और आप दूसरी एनर्जीज में फ्लोट कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा दूसरी एनर्जीज के साथ फ्लोट करना, उसमें डांस करें। खैर, इस वीडियो को हम इधर ख़त्म करते हैं और हैप्पी वैलेंटाइंस डे, सी या। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और नीचे जो घंटी का बटन है उसको दबा दें।